बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, वो बहुत ही मज़ेदार है और ये आप ईद पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, चिकन टिक्का हांडी की। इसके लिए आपको सिर्फ घर के मसाले चाहिए और आप एक बेहतरीन टिक्का मसाला इससे तैयार कर सकते हैं। और इसके बाद आप इसे ऑब्वियसली, बकरा ईद आने वाली है, बड़ी ईद आने वाली है, ईद उल अदा आने वाली है, तो आप उसमें गोश्त में भी इस मसाले को यूज़ कर सकते हैं। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और यहाँ इंग्रेडिएंट्स आपकी स्क्रीन पर आ रही है और मैंने यहाँ पे जो मसाले यूज़ किए हैं उसमें पेपरिका पाउडर है, काली मिर्च है, गरम मसाला, हल्दी, नमक, जायफल जावित्री का पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा, लहसुन पाउडर और चाट मसाला। क्वांटिटी आप पे डिपेंड करती है, अगर आपको ज़्यादा मिकदार पे बनाना है तो आप इसकी मिकदार बढ़ा दीजिएगा, वरना एक नॉर्मल रेशियो के हिसाब से मैंने ये बनाया था मसाला। और अब मैं यहाँ पे ले लूँगी तो चलें अब इसके स्टेप टू पर आ जाते हैं। ये स्टेप वन था जहाँ पे हमने मसाला अपना तैयार कर लिया है। अब स्टेप टू में मैं यहाँ पर चिकन के क्यूब्स ले लूँगी क्योंकि मैं चिकन हांडी बना रही हूँ। अगर आप गोश्त लेंगे, बीफ या मटन लेंगे, तो आपको भी छोटी छोटी इसके स्क्वायर में, क्यूब्स में उसको कट कर लीजिएगा। और अगर आप इसे मैरिनेट करके रखना चाहते हैं ज़्यादा देर, तो उस पर आप पपीते का पेस्ट भी ऐड कर दीजिएगा। ये तो चिकन फौरन क्विकली कुक हो जाती है तो उसका कोई इशू नहीं होता, लेकिन आप इसके ऊपर अगर आप मटन और बीफ यूज़ कर रहे हैं तो पपीते का पेस्ट या फिर शान का जो टेंडर पाउडर आता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया था मसाला, उसको मैंने इस पर ऐड कर दिया, कलर ऐड कर दिया, अदरक लहसुन लगा दिया और उसे मैंने मैरिनेट करने के लिए रख दिया था। अब इसका स्टेप थ्री है। स्टेप थ्री में हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे मैंने ले ली है दही। दही मैंने यहाँ पे तकरीबन एक पाव दही ली है, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने डाल दिया है टोमेटो पेस्ट और जो हमने मसाला तैयार किया था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया, तकरीबन 1 टेबल स्पून। और यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर दूँगी अदरक लहसुन एंड दिस इज रेडी। पैन में ऑयल ले लेंगे। ऑयल के साथ मैंने यहाँ पे ऐड कर देना है प्याज चॉप, दो जो कि मैंने 2 मीडियम प्याज ली थी। यहाँ पे मैंने 2 चॉप प्याज ऐड कर दी है। अब इसके बाद इसे मैं लाइट ब्राउन कर लूँगी और लाइट ब्राउन करने के बाद मैं स्टेप 4 आपको दिखाऊंगी कि हम इसे किस तरह से इस प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि मेरी तमाम रेसिपी आपके पास जल्दी से, फौरन से उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। यहाँ मैंने ऑयल के अंदर जो प्याज डाली थी वो लाइट ब्राउन हो गई थी। उसके बाद जो मैंने चिकन मैरिनेट करके रखी थी वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। उसके बाद जो मैंने दही का, योगर्ट का मिक्सचर बनाया था वो भी मैंने अब इसमें ऐड कर दिया है। As you can see, it's looking so beautiful और खाने में भी ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, तो आप इसे ज़रूर ईद उल अदा पर ट्राई कीजिएगा एंड मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इफ़ यू ट्राई दिस रेसिपी। तो जनाब
यहाँ मैं इसे हाई फ्लेम पे तकरीबन 10 टू 15 मिनट तक अच्छे से कुक कर लूँगी। और यहाँ पे फिर मैंने थोड़ा सा तिक्का मसाला जो मैंने होममेड बनाया था वो डाल दिया है, और थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च। इट डिपेंड्स कि आपको स्पाइस लेवल कितना चाहिए अपनी चिकन हांडी में। तो अगर आप स्पाइस लेवल कम खाते हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। एंड इट इज परफेक्टली रेडी। यहाँ पे मैंने लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्रीम डाल दी है, फ्रेश क्रीम ऐड कर दी है। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी एंड फ्लेम ऑफ कर दूंगी। इट इज ऑलमोस्ट रेडी अल्हम्दुलिल्लाह। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही कम वक्त में बनने वाली अच्छी रेसिपी लग रही होगी, तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और मेरे चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मेरी व्लॉग्स को देखना मत भूलिएगा। एंड दिस इज़ रेडी। एंड अब मैं डालूँगी, अब मैं इसमें स्मोक दूंगी, चारकोल स्मोक। एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ रेडी। और इसे ट्राई कीजिए और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ये रेसिपी थम्स अप तो उस पर बनता ही है, ठीक है। तो इस रेसिपी को ट्राई करना बनता है। ईदुल अदा के मौके पर मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद कीजिएगा और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, अपने साथ रहने वालों का ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त और मेरी रेसिपीज एंड व्लॉग्स को देखना मत भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त एंड अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमानिल्लाह।